हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। दोस्तों अभी प्रीव्यू में आपने वीडियो देख लिया होगा, तो फिर जिस तरह के स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हैं 3D वाली, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों मैंने इसे बनाया था महादेव अकॉर्डिंग, बट आप कुछ भी यहाँ पे अपना यूज़ कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप बनाना चाहते हैं मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। सॉन्ग बस मॉडल और सॉन्ग चेंज करने की ज़रूरत है, एडिटिंग कम्प्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की एडिटिंग अगर आप पूरा देखते हैं तो ही आपसे बनेगा, नहीं देखिएगा तो नहीं बनेगा। इसका जीप फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड बोलते हैं कि उन्हें टेलीग्राम यूज़ करना नहीं आता, वो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते वगैरह वगैरह, या टेलीग्राम काम नहीं करता उनके फ़ोन में। तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप किसी और फ़ोन का यूज़ करके जी फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी एडिटिंग आता है नोट वीडियो का, तो मिनिमम मैं इसका जी फाइल जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि वेबसाइट पर डालने के लिए मुझे दूसरे फ़ोन की ज़रूरत होती है। जी फाइल क्रिएट करने के लिए दूसरे फ़ोन का ज़रूरत होता है, दूसरे फ़ोन में शेयर करना पड़ता है, और टेलीग्राम पे डालने के लिए डायरेक्ट टेलीग्राम में जिप फाइल अपलोड हो जाता है। तो मेरे लिए सुविधाजनक यही है कि मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करूँ, तो आप टेलीग्राम यूज़ कीजिए। तो आपको टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और नहीं तो आप ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। नोट वीडियो एप्लीकेशन का प्रीमियम वर्जन अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर आप प्ले स्टोर पर जो मिलता है उसका भी यूज़ करके एडिटिंग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। उसमें कोई वाटरमार्क नहीं आता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और प्रीमियम अगर चाहिए करेंट वर्जन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट आपको एक बात और बता देता हूं, कोई भी वर्जन मैं आपको प्रोवाइड करूं 2 से 3 दिन में न्यू वर्जन का और नोटिफिकेशन आपको आने लगता है, तो आप उसे कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट नोट वीडियो हर रोज देता है बट उसमें कुछ खास नहीं देता है, आगे आपकी मर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट है, तो आपको सबसे पहले तो मिनी मोड के ऊपर एरो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, लोड प्रोजेक्ट में जीप में जाना होगा, और जो प्रोजेक्ट आप टेलीग्राम से डाउनलोड लेकर आओगे या तो आपको रिसेंट में मिल जाएगा, या 3 लाइन पर क्लिक करके आप डाउनलोड में चले जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड में, या फिर आप अपने फाइल में जाकर और टेलीग्राम फाइल जो फोल्डर होगा वहाँ से उसे इंपोर्ट कर लीजिए। जब इंपोर्ट कर लीजिए तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, इसे सिंपली आप ओपन कर लीजिएगा। देन ओपन करने के बाद मेन काम यहीं पर आपका स्टार्ट होगा, आपको एक सॉन्ग की ज़रूरत होगी, वैसे सॉन्ग यहाँ पे लगा हुआ है, आप चाहे तो सॉन्ग को रहने दे सकते हैं, या फिर आप सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, अपना सॉन्ग ऐड करना है और मॉडल पिक्चर ऐड करना है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आ जाइए, स्टार्टिंग में आने के बाद इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। देन मीडियम जाने के बाद यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे एल्बम पे क्लिक कीजिएगा। देन एल्बम पे क्लिक करने के बाद आपका वो वाला फोल्डर आपको ओपन कर लेना है, जिस फोल्डर में आपका फोटो होगा। तो मैं यहाँ पे महादेव का एक फोटो यूज़ करने वाला हूँ, आप जो भी फोटो पर एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को ले लीजिएगा। जो भी फोटो आप लेंगे उसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ होना चाहिए, तो ये वाला फोटो को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। फोटो मैंने ले लिया, लेने के बाद इस एरो पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इस साइड में जो एरो दिख रहा है इस पर, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इस फोटो को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे टाइमिंग आपका दिख रहा है 10, तो इसे क्लिक कीजिएगा और 10 को यहाँ पे मतलब 1 को 3 कर दीजिएगा, मतलब 30 सेकंड तक का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ओके कीजिएगा। अब हमारा प्रोजेक्ट जो बराबर है, देन यहाँ से आपको बैक करना है, बैक करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज 15 को सिलेक्ट करना है, ये क्यूब वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है। अब यहाँ पे इस साइड में आप स्क्रॉल करेंगे, अभी आपका प्रोजेक्ट जो दिख नहीं रहा है, तो अब आपको मेन काम यहीं पे करना है। ये जो पोजीशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको फर्स्ट में यहाँ पे अब इसे जो देख सकते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ करना है, और 0.36 या 7 मतलब कर लीजिएगा, 37 तक कर लेते हैं, ठीक है। देन ये वाला जो पोजीशन का सेकंड वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसे आपको माइनस में 44 कर देना है, 0.44 या 5 भी रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है। अब लास्ट यहाँ पे आपका अभी भी आपका मॉडल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देख सकते हैं पूरी तरह से मॉडल आपका दिख नहीं रहा है, कहाँ है उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसे आपको 0.77 कर देना है, ठीक है। इस साइड में हम लेकर चलते हैं, 0.77 ये रहा। अब इस साइड में हम आकर देखते हैं तो हमारा जो मॉडल इमेज है वो दिख रहा है, बट अभी भी एडजस्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह से आ रहा है बट ये अभी एडजस्ट नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, स्केल आप देख सकते हैं ये वाला स्केल आपको दिख रहा है, तो स्केल पे आपको क्लिक करना है, स्केल पे क्लिक नहीं करना है, सिंपली इसे बढ़ाना है, इससे आपका जो मॉडल है उसका साइज बढ़ेगा। तो आप देख लीजिए कितना बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इतना तक रख लेता हूँ, पूरा बढ़ाकर यहाँ तक जब तक ये कट रहा है। अब इस साइड में आते हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग से प्ले करेंगे तो आप कुछ इस तरह से आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह कट रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कट रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कट रहा है। तो ये जब कट रहा है तो हमको क्या करना होगा, पोजीशन का जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसकी मदद से या तो हम इसे ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो कट जाता है, इसे हम ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते हैं। और सॉरी एक और काम करना था, मैं खुद ही भूल गया फ्रेंड्स, तो इसे माइनस में 0.77 ही रखिएगा। अब दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है मैं बताता हूँ।
अब इसे यहाँ से उठाइए और यहाँ पे आगे की तरफ लेकर आ जाइए, ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर स्लाइड कीजिए और टाइगर वन जो है इसके जस्ट बगल में और ट्री टू जो है उस दोनों के बीच में आपको इसे रख लेना है। अब नहीं कटेगा, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया था, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट जो है एकदम फिनिश हो चुका है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं, एकदम फिनिश हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे स्मूथली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बस यही इतना आपको देखना था। अब यहाँ पर हमें सॉन्ग ऐड करना है। सॉन्ग ऐड करने के लिए इस साइड में आइएगा, यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन आएगा, स्पेसिफिकली आपको क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जो भी सॉन्ग ऐड करना चाहते हो उसे ऐड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ऐड करने के बाद यहाँ पे इस एडो पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको ट्रिमर पर क्लिक कर देना है, एक्स्ट्रा सॉन्ग जो है कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट के बराबर में सॉन्ग कट गया। अब नीचे वाला जो होगा उसे सेलेक्ट करके थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना, हमारा फुल प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट है, जो कि कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। जब वीडियो बन जाए तो आपको इस एडो पर क्लिक कर देना, यहाँ पे बैक आ जाएगा। अब आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। सेव करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, यहां पे प्रोजेक्ट जो मैंने फर्स्ट में जब यहां से एक पिक्चर डिलीट किया था या ऑडियो जो भी था वहां पे 15 लिखा हुआ था, नंबर उसका 15 लिखा हुआ था, तो लिखा हो तभी आप डिलीट कीजिएगा, अदरवाइज डिलीट नहीं कीजिएगा। मैं उसे हटाकर ही आपको उसका जिप फाइल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो को आपको सेव करना है। सेव करने से पहले यहां पे एक बार चेक कर लेना है कि आपका सारा प्रोजेक्ट बराबर है या नहीं, उसके लिए ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा। यहां पे देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट जो है सारा का सारा एकदम बराबर है 30 सेकंड तक। अब नीचे इस एरो पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पे सारे चीजें परफेक्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नीचे ग्रीन बटन दिखेगा, इस पर टैप कर देना है, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखते तो आपसे वीडियो नहीं बनेगी। अब से नोट वीडियो का इसी तरह का ट्यूटोरियल आएगा, थोड़ा बहुत हेर फेर आएगा जिसे मैं आपको वीडियो में सही करना बताऊंगा। अगर वीडियो आप नहीं देखोगे पहले की तरफ, आप सोचोगे कि जी फाइल आपने डाउनलोड किया और एडिटिंग आपका फिनिश हो गया, तो आपसे एडिटिंग नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।